अब इसके बाद देखिए बेटा, अब हम इसको कैसे हम इसको चेंज करेंगे, अब एग्जांपल के सहायता से हम इसको समझेंगे। जैसे इसमें दिया है, लिखा है ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा सी वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही सेड टू मी सी वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो सी सेड टू मी, तो सबसे पहले इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर पास्ट टेंस में होगा तो उसको चेंज करेंगे। हमने बताया था कि अगर बात में अगर सेड हो तो किस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट टेंस। तो ही सेड टू मी तो सेड टू किस बदलेंगे, टोल्ड में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से को टेल में, सेड को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। ठीक है, उस समय बदलते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट, अगर इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो से क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, से क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, से टू क्या हो जाएगा, टोल। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से आप इसको चेंज करेंगे, सेट टू है तो ही सेट टू तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन ऑन दैट का हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, सी वाज दिया है, वाज के साथ क्या दिया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आइए। हमने चार्ट में आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट में अगर वाज वर्ब प्लस आई एन जी हो तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस आई एन जी, तो सी हैड बीन राइटिंग फॉर लेटर। He told me that she had been writing a letter. ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे, राम says to मोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, राम सेज टू मोहन गीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे राम सेज टू मी तो क्या हो जाएगा, राम, अब इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज, ठीक है, तो सेज के बाद क्या है, मोहन है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेज क्या हो जाएगा, टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं राम टेल्स मोहन इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम कंजंक्शन डेट का हो जाएगा, और उसके बाद क्या है, गीता लिखेंगे गीता, अब इसमें दिया है राइज, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस, तो ये कौन सा टेंस है, ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, ये आप ए रू नाम आपको लिखवाया था, लेकिन उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमने बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता,
तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो किस टेंस में है? प्रेजेंट में। यस है, यस है, यस है ना। बताए थे कि प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे, अगर वाक्य में से होगा, सेज होगा, इज सेइंग होगा, हैज बीन सेइंग होगा, हैज सेड होगा, विल से होगा, विल बी सेइंग होगा, ठीक है। तो ये समझ जाएंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, ठीक है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो राम टेल्स मोहन डेट गीता, अब यहाँ हो जाएगा राइट्स, क्या हो जाएगा, राइट्स और लेटर, राइट्स और, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो नरेशन है हम उस चार्ट के अनुसार हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको बदल देंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंस में, एसर्टिव सेंटेंस में पहला रूल क्या था, टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, ये था, ठीक है। अब इसमें एसर्टिव सेंटेंस में दूसरा आपका है टेंस में, टेंस में नियम संबंधी, नियम संबंधी अपवाद, टेंस में नियम संबंधी अपवाद क्या होते हैं। तो टेंस में नियम संबंधी अपवाद में चार कंडीशन, चार कंडीशन ऐसे होते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होते हुए भी हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। हमने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच टू टेंस को हम पास्ट टेंस में बदल देंगे। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम पास्ट टेंस में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, चार कंडीशन के साथ। इसी को बोलते हैं टेंस में नियम संबंधी अपवाद, मीन्स इसकी इंग्लिश होते हैं एक्सेप्शन। अपवाद मीन्स पहला कंडीशन क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रू, यूनिवर्सल ट्रू, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होती है, सदा सत्य रहने वाली बात, ऐसा सेंटेंस जो क्या हो, जो सदा सत्य रहने वाली बात हो उस बात में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स ले लीजिए, ही सेड टू मी दिस सन राइटेड इन द ईस्ट, ठीक है। ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, वो मुझसे कहा सूरज पूरब में निकलता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, तो ही सेड टू किस बदलेंगे, टोल्ड, ही टोल्ड मी, He told me, इनवर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डैट, He told me that the sun rises in the east, क्या हो जाएगा, the sun rises in the east, ठीक है, the sun rises in the east। समझ में आ रही है। इसमें दूसरा कंडीशन होता है क्या, यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर सदा सत्र आने वाली बात हो, दूसरा हो यदि कोई कहावत कही जाए, ठीक है। इसको हम कल बताएंगे, बाकी आप यहीं पे जितना बताया है उस चार्ट को तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल इसके बाद हम बताएंगे पर्सन में परिवर्तन संबंधी नियम, उसके बाद बताने के बाद हम एक्सरसाइज देंगे और उस एक्सरसाइज को आप उसको सॉल्व